Why'd you like it for this pain? It's like I'm going for insane. It's nothing left to say. It is, don't let it be. Away from me, away from me. It's always you. Hey, what's up guys? कैसे आप सब लोग? I hope आप सब लोग अच्छे होंगे. So guys, ये मेरे अक्षय भाई हैं. तो आज हम जा रहे हैं ब्लॉग शूट करने. कहाँ पे जा रहे हैं आज भाई? आज हम जा रहे हैं बाथरूम की लड़ी. So guys, हम बाथरूम की लड़ी जा रहे हैं, तो वहाँ के बारे में कुछ बता दो भाई. वहाँ का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है? तो बाथरूम की लड़ी नगरोटा सूरी से होके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो मैं रहस्य बताता हूँ बाथरूम की लड़ी का क्या है. वहाँ पे एक मंदिर है जो कि एक साल में पूरा 12 महीने में 9 महीने में जो है पानी में रहता है, सिर्फ 3 महीने के लिए बाहर है. और मुश्किल से दर्शन करने के लिए 1 महीना होता है वहाँ पे, 1 महीने दर्शन कर सकते हैं. ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ, लोगों को पूरा देखना, एंजॉय करते जाएंगे, फन करते जाएंगे. जर्नी बहुत बड़ी है, तो हम धीरे धीरे जाएंगे आराम आराम से और पूरा वीडियो देखना, ठीक है? हाँ, और रास्ता ज्यादा नहीं दिखाएंगे गाइस आज हम, क्योंकि आपको पता है कि मैं ब्लॉग में रास्ता बिल्कुल कम दिखाता हूँ, मेन चीजें दिखाता हूँ. तो डायरेक्ट लोकेशन ही दिखाएंगे आपको जल्दी से. तो भाई एंजॉय करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. तो फाइनली बाइक का नेम डिसाइड कर लिया. जिस हिसाब से कमेंट्स आ रहे थे, तो काफी लोग बोल रहे थे कि बाइक का नाम बैटमैन रखो. तो मैंने इसको एक बैटमैन का कीरिंग में इसको गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आज से इसके बाइक का नेम बैटमैन है. तो बहुत अच्छे कंटेंट बना रहा है और आगे भी ऐसा बनाते रहेगा. आप इसका साथ मत छोड़ना, यूट्यूब में इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? सो मेरी ओर से अक्षय भाई आपके लिए थैंक यू सो मच भाई जी. तो गाइस देख ही सकते हो कितना प्यारा गिफ्ट दिया भाई ने, और आज से ये बाइक के साथ ही रहेगा हमेशा. और बाइक का नाम आज से बैटमैन और खत्म. और इसको और जहर बनाएंगे बाइक को, थोड़ा सा आप सपोर्ट करो ना, तो जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा वैसे मैं बाइक को मॉडिफाई करा दूंगा, ठीक है? तो फिर चलते हैं गाइस आगे. सो गाइस, अभी हम रास्ते में जा रहे थे और मेरे को नहीं पता किस बंदे ने ये साजिश की है. देख सकते हो भाई, मेरे गियर का नेट निकाल दिया हुआ है, क्योंकि नेट तो टूटा नहीं है. और देख सकते हो गाइस, पूरा का पूरा नेट निकाल दिया हुआ है. और अभी शुक्र है रास्ते में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, बच गए. अभी मैं घर से जस्ट निकला ही था और थोड़ा सा आगे गए मैं और भैया, और देख ही सकते हो भाई क्या पूरा गलत सीन हो गया यार. सच में यार भाई, ऐसा मत करो यार. ये किसी ने भाई, जो भी जलते ना भाई, मत करो ये सब. देख ही सकते हो गाइस, ये देखो नेट निकाला हुआ है, बाकी गियर गुर नहीं टूटा. तो ना पता यहाँ से टूटा कुछ भी पंगा हो सकता था. तो देख सकते हो गाइस, अब देखते हैं यहाँ पे कहीं मैकेनिक की दुकान देखते हैं और चलते हैं कहीं. सो गाइस, अभी हमने बड़ी मुश्किल से हाथों से गियर डाला हुआ है, चेक करो देखो. और अभी हम जा रहे हैं मैकेनिक की शॉप. यहाँ पे बंद मिली हमें मैकेनिक की शॉप, और हम देखते हैं आगे कोई जैसे मैकेनिक की शॉप मिलती है. बड़ी मुश्किल से गियर डाला था और मैकेनिक की शॉप भी बंद है. तो गाइस, अभी भाई की शॉप वगैरह खुलवाई हमने, और देखते हैं अभी करवाते हैं काम वगैरह. तो गाइस, मैकेनिक के ठीक करने के बाद देखो अब गियर अच्छे से डल रहे हैं, अब प्रॉपर वर्क कर रहे हैं गियर आप देखो. तो अब स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं अब जर्नी पर, आगे की अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करते हैं. हाँ भाई, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं गियर. चलो गाइस, अब चलते हैं सीधा आगे और आपको दिखाते हैं आगे कभी. सो गाइस, अभी हम कांगड़ा क्रॉस कर लिया हुआ है, और देख ही सकते हैं हमारे साथ सवेरे सवेरे क्या सीन हो चुका है. अभी हम जैसे घर से निकले थे और वैसे हमारा गियर खराब हो चुका है, मतलब उसका नेट ही निकल गया मतलब. तो अभी हम कांगड़ा क्रॉस करके अभी हम रानीताल रोड में हैं. तो देख ही सकते हो आपको रानीताल में एक बहुत प्यारी गुफा है, तो उसको चेक करवाते हैं. वो देख ही सकते हो ये गुफा दिख रही होगी, तो अभी हम इस पे जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ का शॉट दिखाएंगे और बाकी ज़्यादा रास्ता नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट हम लोकेशन में मिलेंगे. तो गाइस, रास्ता नहीं दिखाएंगे ज़्यादा, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा पुरानी गुफा है, ठीक है? आप जब भी कहीं से भी आते हैं तो आपको कांगड़ा में ये गुफा आती है, तो आपको यहाँ से एंटर करना पड़ता है, ठीक है? तो फिर गाइस चलें फिर आगे. तो गाइस देख सकते हो कितनी प्यारी गुफा है ये. गाइस, आज जहाँ पे जा रहे हैं बहुत ही प्यारी लोकेशन है. अब पता नहीं वो पानी के अंदर है मंदिर अभी या बाहर निकला है, क्योंकि गिन के वो 15 दिन निकलता है बाहर जो पूरा मंदिर, जहाँ पे हम अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं. अब देखते हैं क्या सीन बनता है गाइस. तो गाइस, अभी हम रास्ते में पहुंचे और देख ही सकते हो भाई, दूसरा नेट भी खुल चुका है अभी फुल पावर. यहाँ सीन क्या हो रहा है भाई, आज हमारे साथ बहुत गलत सीन हो रहा है. तो देखते हैं अब इसको क्या हल है इसका. तो गाइस देख ही सकते हो भाई, गलत सीन हो गया है. ये देखो यहाँ पे ना, ये वाला जो नेट होता है ये भी निकल गया रास्ते में,
और पता नहीं क्या सीन है, ये मेरे डील लेके होंगे नेट के सीन, पता नहीं किसने किए हैं। ये देखिए ये वाला तो अभी हमने डलवाया था और ये वाला हो गया। देखिए ये नेट ही निकले गए सामने वाला। सो गाइस अभी हमें थोड़ा सा आगे जाके 1 किलोमीटर हम पैदल चले थे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बाइक से रुक जा रही थी। और अभी हम आ गए हैं और यहाँ पे आके थोड़ा देखते हैं क्या होता है, होती है ठीक नहीं होती है। मुझे समझ आया कि नहीं निकली है, नेट ही निकली है भी, आ गए नेट निकली है ना। सो गाइस ये भैया नेट वगैरह चढ़ा दिया फाइनली इन्होंने काफ़ी टाइम के बाद, बहुत टाइम लगा इस नेट को चढ़ाने के लिए, तो जल्दी अब चढ़ गया हुआ है। तो फिर चलते हैं आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई चलते हैं फिर आगे। और अंदर कर दिया ना इसे, इतना ही है बस, इतना ही है। टाइट कर दे फिर बढ़िया। सो गाइस अभी भैया ने ठीक कर दिया हुआ है बाइक को। एंड सो गाइस कभी भी किसी के साथ ये नहीं करना चाहिए, कभी भी इंसान बाइक चला रहा हो और कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, तो आदमी की जान पे भी जान भी जा सकती है यार। अगर कुछ हो जाता यार, इंसान की जान से ज़्यादा ना कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट इस दुनिया में। एक जान होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज़ ये सब मत करा करो। प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी किसी से जलने की वजह से, अगर कोई जलता है किसी से, तो प्लीज़ उनकी बाइक के साथ ये सब चीज़ें मत करा करो। ठीक है आप जलो मत यार, अगर कोई बंदा ग्रो अप कर रहा है ना, तो तुम उससे जलो मत यार। तुम भी अपनी फील्ड में ग्रो अप करो यार। तुम अगर इंस्टा यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो या अपने कोई भी काम करते हो, तो उस फील्ड में इतना ग्रो करो कि हाँ, कि लोग भी बोलें कि हाँ बंदे ने इतनी मेहनत की है और तुम आगे इस पोजिशन में आया बंदा। तो भाई मेरा तो यही है कि भाई मेल बांट के रहो, प्लीज़ जलो मत किसी से, नहीं तो देख ही सकते हो। मैं भी बाल बाल बचाऊँ, जैसे कि आप लोगों को मैंने वीडियो पे बताया था कि कैसे कैसे इंसिडेंट हुआ है। तो प्लीज़ आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें मत करो यार, जलो मत यार। अगर करनी है तो बराबरी करके बताओ यार। मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ, जलना बंद कर दो भाई, जो भी बात है भाई अपनी फील्ड में आगे बढ़ो। सो गाइस चेक करो, वेलकम टू अ पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ। बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस होने वाला आज मेरा लाइफ का। सो गाइस देख ही सकते हो भाई, फुल पावर सीन। और देखो आई थिंक आज हम अंदर तो जा नहीं पाएंगे मंदिर के अंदर दर्शन करने, क्योंकि अभी आधा पानी में है। देख ही सकते हो कोई टाइम आता है, थोड़ा सा दिख रहा होगा आई थिंक आपको व्यू। मैं थोड़ा सा बाइक खड़ा होकर चला रहा हूँ और बहुत ही प्यारा व्यू है भाई। सो गाइज अभी मंदिर जो है पानी में डूब चुका है पूरा का पूरा, थोड़ा सा दिख रहा होगा, कई बार ये पूरा ही डूब जाता है, देख ही सकते हो गाइज खतरनाक ही सीन। और यहाँ पे बोटिंग वगैरह में जा रहे हैं अभी बंदे देखने, उसके आसपास का व्यू दिखा सकते हैं। देखते हैं अभी, भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, तो पहले हम आई थिंक यहाँ पे लंगर वगैरह लगा, तो फुल पावर लंगर वगैरह चखते हैं, फिर उसके बाद हम पिक कराते हैं गेम। तो भाई पहले बाइक भी देख लेता हूँ मैं, गियर ठीक है भाई, अभी तो ये भी ठीक है, पीछे वाला भी ठीक है, बस भगवान की दया हम घर भी वापस पहुंचा दें जल्दी से। तो लंगर खाते हैं फिर पावर। सो गाइस हम बोटिंग करने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो कितना मजा आएगा, कितनी स्पीड पकड़ी था पानी में। अक्षय भाई कैसा लग रहा है फिर आपको? भाई यार बहुत मजा आ रहा है भाई, मेरे को तो कर रहा नहाने का, आपका नाम है कामर ठंडा नहीं, और मेरे को तो लग रहा है डर बुरे हाल से इस टाइम। गाइस मेरी बुरे हाल से फटी पड़ी है। सो फाइनली गाइस ये है अपने बाथू की लड़ी का मंदिर। पहले ये तो दिल बड़े ये तो दे रास्ता ना ऊपर चली आंदे है वो बंद करते हैं, पीछे पता नहीं बड़ा घट पानी है, मतलब उधर मजा आ रहा है। आ कौन है ओ एथी है, मुझे लग रहा है वहां चढ़ी सकते दिखा, ओ टीडी की चल रही है। कबूतर बड़े मजा ला रहे, इसे बोलते बापू पत्थर। हाँ ये है मंदिर, क्योंकि पानी पानी नॉर्मली होंगे तो ज़्यादा ठंडा नहीं होता, खास वाले पानी है तो मैं रुकने था लोग। हाँ मैं सर गाड़ा चलना, अच्छा तभी जा लेना।
सो गाइस ये मंदिर है यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी दिन अगर मंदिर पूरा बाहर निकला तो हम आपको दर्शन करवाएंगे। नेक्स्ट किसी दिन आएंगे फिर एक साल बाद। So guys, देख ही सकते हो पिछली साइड कितनी दूर है मंदिर, देख ही सकते हो कितनी दूर था। और अभी हमने पूरा रास्ता कवर करके आ चुके हैं, मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और अभी हम वापस आ गए हैं। अभी बोट वगैरह देख ही सकते हो कितनी वापस आ चुके हैं अभी हम। कैसा रहा एक्सपीरियंस अक्षय भाई? भाई बहुत बढ़िया रहा, मजा आ गया यार। और तो एक अगर चक्कर और लगाए शो, हर्षित अभी नहाने गया और इससे नीचे नहीं उतर जा रहा है। डर लग रहा भाई, डूब गाना हो भाई, थोड़ा थोड़ा जा तो आगे से ही। दोस्तों मजा तो काफी पड़ा था रहा है वैसे तो, बस भाई से तक ही नहा ले तू। चलो नहा रहा हर्षित, देख लो इस पानी में। भाई मेरे को तो बड़ा ज्यादा डर लगा, और अक्षय भाई को देखो कितनी दूर जा चुके हैं भाई, फुल पावर सीन। सो गाइस अक्षय भाई देखो कितनी दूर जा चुके हैं, दिख नहीं रहे बिल्कुल भी। देखो जूम मार के दिखाया है। मछली वगैरह तुसी उसा बहुत ज्यादा खिंजी लिया, मछली मिली आनी शायद। अक्षय भाई जा रहे हैं मछली पकड़ने। गे 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 पकड़ ही लिया, पकड़ो पकड़ो। अक्षय भाई डूब गए, फुल पावर, फुल पावर भाई। पकड़ी लिया बोतला, ताके बोतल पकड़ी की रोनी है तो बोतला ले पकड़ी। मछलियां चकरे डूब गया इस बंदे को गोता लग चुका है। अक्षय भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा पानी के अंदर? भाई पानी के अंदर भाई यहाँ तक जाओ तब तो कोई सीन नहीं है। आप सोच रहे हो कि आगे थोड़े चल जाएं तब तो बहुत ही गलत सीन है भाई। मैं डूब चुका हूँ थोड़ा सा, लेकिन मेरे को तैरना था, मैंने रिकवर कर लिया। इनको भाई गोता लग चुका है। बहुत गोते को क्या बोलते हैं इंग्लिश भाई? इंग्लिश में तो मेरे को नहीं पता, समझ लो कि डूब रहे थे हम, डूब रहे थे, इनके मुंह के अंदर पानी पुणे घुस गया था। इंसान तब कोई इंग्लिश याद नहीं आती फिर भाई। जब हम सोडा पीने जा रहे हैं, दो ग्लास हमने ऑर्डर किए थे मैंने और भाई ने। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना होगा। आप देख सकते हो पर लगाई हुई है, कैसा है भाई टेस्ट इसका? अच्छा बना हुआ है, चलो हम भी ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। सो गाइस अभी हम बातों की लड़ी जा चुके हैं और अभी हम वापस जा रहे हैं। सो गाइस देखो बच्चे हाथ दे रहे हैं। हाँ जी आपका नाम हर्षित भाई है ना? हाँ जी हाँ जी भाई, भाई बिग फैन रहो आपके, ब्लॉग देखते हैं हम। देखते हैं ब्लॉग? थैंक यू भाई। भाई फैन फोन मत बोला करो यार, भाई है यार आप सब। और कहाँ जा रहे हो? हम बाल कटाने इसके। अच्छा आपने कैसे पहचाना? हमने आपके वो देखा कैमरा को, मेरा आपको देख लिया ऐसे। अच्छा आपने, अच्छा बाइक पहचान ली? हाँ जी। ओके ओके, और भाई? हम ये ड्राइव पे। अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया। और क्या करते हो? स्कूल जाती है बस। स्कूल जाते हैं, कौन सी क्लास में? सेवन्थ। अच्छा सारी वीडियोस देखते हो? सारी। ओके ओके भाई, सपोर्ट करते रहो भाई को, ठीक है? और सारी वीडियो को ना शेयर शोर करा करो, ठीक है? अपने दोस्तों को भी दिखाया करो। कहाँ से हो? ये कौन सी जगह वैसे? ये कौन? बग्गा। ओके ओके भाई थैंक यू, बाय भाई। ठीक है बाय बाय। ओके मिलेंगे फिर कभी। सो गाइस आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा बलून है और इसका ट्रायल चला हुआ है यहाँ पे। मैंने देखा कि धर्मशाला में भी बहुत सारे लोग स्टोरीज देख रहे थे, बट मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है। मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि कितना बड़ा है। हाँ और ये किससे चलता है गाइस? मुझे लगता है सिलेंडर से चलता है। सो ये जो सिलेंडर हैं इसके वो ये हैं, नॉर्मल गैस जो है गैस के लिए जो सिलेंडर यूज़ होते हैं वही है। इसका ट्रायल देखो यहाँ से
रोप से बांधा हुआ है और आप देख सकते हो कितना बड़ा है। और मैं ट्रायल से एक बर्नर होता है इसका और भी सिलेंडर होते हैं और ऊपर देख सकते हो भाई कितना ही बड़ा यार भाई, मैं तो परेशान ही एक्सपीरियंस है। कुछ नहीं है गाइस, ये देखो यहाँ से ये है और यहाँ पे राइड कर रहे हैं बच्चे, बच्चे क्या बड़े सभी कर रहे हैं राइड। ये देखो यहाँ से आग लगाई होती है और सिलेंडर जो है वो बीच में होंगे भैया। पता बंदे देख रेट लिया करो, ये कितने भारी बंदे हैं, बड़ा गैस ही लग जाएगा, पूरा सिस्टम महंगा आता है। तो गाइस देख ही सकते हो भाई, ज़्यादा ऊपर नहीं लगने होने ना, नहीं लगती है भैया। ये सिस्टम तो बड़ा कॉस्टली होता है। हाँ एक बार में देखा भी सिलेंडर तेज हो रहा है, तेज हो गया, एक रेड में पौना सिलेंडर लग जाता है। ये पूरे सिस्टम एक बार अभी ऊपर गई ना, अभी सिलेंडर चेंज हो, आठ बंदे उतरे अभी फिर अगला सिलेंडर। नहीं ये सिस्टम कितने का है? 20 लाख रुपए का। 20 लाख गुब्बारा नॉर्मली गैस जलती है, मैं तो कुछ लगता है नहीं, तो आग जलती है जलाते ना, एलपीजी होती बस, गुब्बारे की कोर से ज़्यादा बस बर्नर नहीं। नहीं चलाना बहुत महंगा पड़ता है, महीने का 6-6.5 लाख का खर्चा सिर्फ उड़ाना उड़ाना। यहाँ पे किसी को देना पड़ता है आपको? सरकार को 5,000 रुपया। ये मैंने धर्मशाला में देखा था, ये वही है। अच्छा वही है पुलिस ग्राउंड वाला। हाँ मार रही था, 5 दिन की परमिशन ली थी आईपीएल मैचेस के बाद। अच्छा अच्छा, तो अब ये परमानेंट कहाँ है? वहाँ हवा बहुत तेज है, वहाँ सिर्फ आधा घंटा उड़ता था। अच्छा, नहीं तो हमने वहाँ की परमानेंट परमिशन ले थी, सीएम ने बोल रखा था। लेकिन मतलब ये जितने पहाड़ हैं इनके नज़दीक नहीं उड़ सकते। 12.5 लाख का ग्लाइडर, ग्लाइडर टोटल 20 लाख रुपए का सेटअप है पूरा। हाँ तो। और 4,000 राइड के बाद चेंज होता गुब्बारा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।